कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के तत्वावधान में तीन राज्यों की लेदर बॉल नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन कड़े मुकाबले के बाद दिल्ली ने महाराष्ट्र को 17 रनों से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकेंद्र सिंह राजपूत और ओपी दीक्षित, कार्यक्रम के विशेष अतिथि शगुन वैश्य, अनीता उड़िया, नरेश किरार और अंजू भदौरिया भी मौजूद थी। कार्यक्रम का संचालन और कमेंट्री मनोज पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया CEO गजल खान कार्यक्रम में मौजूद थी। उल्लेखनीय है कि श्रृंखला का उद्देश्य दिव्यांग जन को समाज तथा राष्ट्र का अविभाज्य अंग बनाना और खेलों के माध्यम से उनके पुनर्वास और स्वावलंबन के लिए प्रयास करना था। मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन ग्वालियर के प्रबुद्ध समाज के सहयोग से इस स्वप्न को साकार करने में सफल रहे। मैं महाराष्ट्र टीम का कैप्टन हूँ, रमेश सरतापे। हम लोग महाराष्ट्र से है और ये टूर्नामेंट होना है, इसके लिए हमारा सौभाग्य है कि हम लोग रूप सिंह राठौर स्टेडियम पे खेल रहे हैं और व्हीलचेयर क्रिकेट का ये बेहतर आयोजन मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है। तो मैं उनको अपने महाराष्ट्र टीम की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगा और जो भी उनके साथ में जो जुड़े हैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा।